धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब मैं एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा जेलों का वो बारे मैं बोलना चाहता सी। धन्यवाद। कल भी सोशल मीडिया के उत्ते वख-वख जेलों के विचों काले बेले ला के और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जरा शो किया और 26/27/2003 गोइंदवाल साहब जेल के FIR हुई तो अज तक वो जे मुलजम से 10 दिन हो गए ने वो मुलजम अज तक उन्होंने कस्टोडियल इंटरोगेशन जी पैदा होंगी आ FIR होगी उन्होंने मुलजमान की अज तक अरैसट नहीं हुई। उल्टा जेडे उत्थे मुलाजम से सुपरिंटेंडेंट जेल या बाकी जिन्हें मुलाजम से उन्होंने उपर FIR दर्ज होकर अरैसट भी हो गई। और एक चीज़ मैं दसनी चाहना कि इस टाइम के सब तो पहला गुरचरण सिंह धालीवाल फिरोजपुर तो सुपरिंटेंडेंट जेल से उन्होंने उत्ते ड्रोन का किया कि पाकिस्तान तो ड्रोन आते हैं तो वो अरैसट हुई तो कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिता। वे बलबीर सिंह गोइंदवाल च डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल से और भी FIR होंगी वो भी कोर्ट जी डिस्चार्ज कर देती है। ये मैं इस करके कही है गल कि जे इस तरह काम चलता रहा अंदर जे क्रिमिनल्स ने उन्होंने कंट्रोल करना जेल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा जिम्मेदार होंगे जो ऑफिसर होंगे। मेरे टाइम से इतने बैठे ने IG साहब उस टाइम के 3 इनकुआरियां भेजिया सी। 3 इनकुआरियां एक च डिसमिस किया बाकियों से FIR की अज तक वो बंदे जेलां ते उन्होंने किसी भी केस तो बरी नहीं सी। सो मेरी तो मुख्यमंत्री साहब नूं गुजारिश है कि पुलिस डिपार्टमेंट नूं खास करके जेल दे विच क्योंकि बाहरों पुलिस फड़ के गुंडे अंदर जेलां च भेजदी आ ते सब तो वध जी कोई सेंसिटिव थावां ते वो जेलां ते खास करके सब तो वध जो कि प्रैशर है तो सुपरिंटेंडेंट जेल के उपर होंगे कि इन्हों कंट्रोल किमें करना उन्होंने हौसला अफजाई करनी चाहिए है वो तो वो उत्तर हम सिक्योरिटी इंतजाम करना चाहिए। पर एक सैकेंड तो जेडे गुंडे या गैंगस्टर आप गैंगस्टर ग्लोरीफाई करने लिए कह दें तो ये जेडे गुंडे ने इन्हों पहले ध्यान च रखना चाहिए कि किस ग्रुप के कितने वो कट्ठे ना हो चीज़ों का। मैं इस करके कल थोड़े राही कहना चाहता सरकार को कि जेल डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज ना करिए इन्हों इनकरेज करिए गुंडियां जेलों के अंदर नत्थ पाई जा सके। धन्यवाद। थैंक यू।